जमुआ विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशी धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी केदार हजरा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जमुआ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण किया। मलुआ टाड़, कुरहोबिंदो, बिसुनपुर, प्राची डी, बरमसिया, ओरागारो, गोविंदा टाड़, गादी, नवडीहा, फुलवारी टाड़ समेत दर्जनों गाँवों में महिलाओं और पुरुषों से मिलकर विधायक प्रत्याशी केदार हजरा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास योजनाओं से अवगत कराते हुए अपने पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। ज्यादातर ग्रामीणों ने केसीसी लोन माफी योजना, बिजली बिल माफी योजना, मैया समान योजना को लेकर हेमंत सरकार का सराहना किया और केदार हजरा को समर्थन देने का आह्वान किया। बहरहाल जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे झामुमो प्रत्याशी केदार हजरा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। मौके पर प्रणव वर्मा समेत कई जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। पांच वर्षों में जो काम इन्होंने किया, हालांकि इनको 5 वर्ष नहीं मिला, 2 वर्ष लगभग कोरोना काल में कोविड में चला गया और 1 साल ये भी लड़ाई करते रह गए ईडी और जेल का जो चक्कर लगा, और फिर वो जेल से जब बाहर निकले उन्होंने जल्द से जल्द जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। आज आपका कहा जा सकता है कि मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को देने का काम किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी वाला जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें चुन के वापस भेजेगी। वो अटल आडवाणी की और कैडर बेस पार्टी, नीति सिद्धांतों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, वो पार्टी आज नहीं रह गई। आज बाहर से लोग आए, कांग्रेस से आ गए, जेएमएम से आ गए, और जो भाजपा के लोग हैं आज मजबूर हैं पार्टी छोड़ने के लिए, मजबूर होके कि भाई अब ऊपर में, अब जैसे वो लोग आते हैं सीधा सेटिंग करते हैं, बड़ा नेता से मिले, हाथ मिलाए और टिकट ले लिया, और जो जिंदगी भर पार्टी में झोला ढो रहे हैं उनका टिकट काट के दूसरा को दे दिया। तो ये स्थिति आज इस झारखंड प्रदेश का हो गया है, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में कौन, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे टीवी न्यूज में कि कुछ भी बात बोलना तो कौन बोलेगा, तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। अभी सबको जाना है, 1 नंबर में है अभी तत्काल बिजली बिल को माफ कर 25,000 रुपये।